नमस्ते दोस्तों। तो फाइनली आज है 24th of March और ओकिनावा की ओकी 90 लॉन्च हो चुकी है इंडियन मार्केट में और ये बहुत ही अवेटेड व्हीकल था क्योंकि इसका रेंज है 160 किलोमीटर। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या है ओकी 90, क्या आपने वो खरीदनी चाहिए, क्या आपने वो बुक करनी चाहिए। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस गाइस, तो फाइनली बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बजाज चेतक, ओला और एथर एनर्जी को कड़ी टक्कर देने वाली है, ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है ओकी 90। पहले बहुत सारे रूमर्स थे कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये है चाइना से मंगाया गया, ओकला नाम की कंपनी जिनका ड्रीम इलेक्ट्रिक स्कूटर था इसका ये रेप्लिका लगता है। मुझे तो लगता है ये वही स्कूटर है, बट फाइनली गाइस इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो चलिए जान लेते हैं इसके फीचर्स क्या है, डिटेल्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। बात करेंगे बैटरी के साथ, 3.6 किलोवाट आवर की डिटैचेबल बैटरी इसमें आपको मिल जाएंगी 3.6 किलोवाट आवर में, जो मोटर को सप्लाई देगी, जो मोटर है 3.278 किलोवाट का मोटर, तो बहुत ही तगड़ा मोटर है गाइस। और ये जो मोटर है वो बहुत अच्छा एक्सेलरेशन आपको देगा और उसके वजह से आप टॉप स्पीड अचीव कर पाओगे 90 km/h का। गाइस 90 का स्पीड बहुत ज्यादा है और ये दिमाग में रख के ये गाड़ी डिजाइन किया गया है कि आप इसको सिटी में भी चला सकते हो और विलेजेस में चला सकते हो, आप लंबा चौड़ा इसको लेके जा सकते हो क्योंकि इसका रेंज जो है वो 160 किलोमीटर का कंपनी क्लेम रेंज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 140 टू 145 किलोमीटर का तो रेंज मिल ही जाएगा। और 3.6 किलोवाट आवर मतलब अगर हम चार यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर करते हैं तो करीबन 40 रुपए में अगर एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपए लगते हैं तो 10 × 4 = 40, तो 40 रुपीज में आप 150 टू 160 किलोमीटर जा पाओगे विद द टॉप स्पीड ऑफ 90 km/h। 3.278 किलोवाट की अगर मोटर है तो बहुत ही तगड़ा टॉर्क भी ये देगी। अभी टॉर्क क्या है वो उन्होंने बताया नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो मोटर है वो हब मोटर नहीं है गाइस, इसमें जो मोटर है वो मोस्टली बेल्ट ड्रिवन मोटर है, तो ये हब में नहीं है, बेल्ट ड्रिवन है, मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा होगा। तो ये सीधा टक्कर है ओला को, ये सीधा टक्कर है बजाज को, सीधा टक्कर है एथर को। आगे जाके अगर आप देखते हो तो व्हील्स 16 इंच के व्हील्स है गाइस, कौन सी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो इंडिया में अभी अवेलेबल है उसको 16 इंच के व्हील्स नहीं है, तो बहुत ही बड़े इसके व्हील्स है और वो आपको बहुत ही कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। आगे जाके अगर आप देखते हो गाइस, बूट स्पेस 40 लीटर का बूट स्पेस है। ओकिनावा जो आईप्रेस प्लस है, आईप्रेस प्लो है या बाकी की उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो पहले लॉन्च हो चुकी है, उनका ड्रॉबैक ये था कि उनको बूट स्पेस अवेलेबल नहीं था क्योंकि बूट स्पेस में उनकी बैटरी थी। तो शायद ओकिनावा ने इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया और ओकी 90 जो वो लेके आए हैं उसको 40 लीटर्स का बूट स्पेस है विच इज यूजेबल, सो शायद बैटरी अब इसकी बूट स्पेस की जगह नहीं लेगी। और अगर हम देखा जाए चार्जिंग का टाइम तो 0 to 80% बैटरी चार्ज होगी केवल 1 घंटे में। गाइस 1 घंटे में 0 to 80% हो रही है, फुल चार्ज होने को करीबन 3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है गाइस इट इज अबाउट 1.22 लाख। अगर मैं बोलूं आपको एथर 450X करीबन 1.4 लाख है, बजाज चेतक करीबन 1.35 लाख है, ओला S1 प्रो करीबन 1.25 लाख है, तो उसी प्राइस रेंज में ये स्कूटर जा रहा है जो आपको 160 किलोमीटर का रेंज देगा। इसके साथ ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही स्मार्ट है, इसमें आपको ऐप मिल जाता है और उस ऐप के थ्रू आप जियो फेंसिंग, ट्रिप हिस्ट्री, स्पीडिंग अलर्ट ये सब फंक्शनैलिटीज ले सकते हो। एक बहुत बड़ी खासियत एक स्कूटर में है गाइस, इस स्कूटर में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाएगा, मतलब जब भी आप ब्रेक करोगे तब आपका जो मोटर है इट विल एक्ट एज ए जनरेटर और उसमें से एनर्जी जनरेट होकर आपकी बैटरी चार्ज होने वाली है। गाइस ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे ऐसा लगता है इंडियन मार्केट में जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। आप जब स्लोप पे हो या ब्रेकिंग कर रहे हो तब आपका जो मोटर है वो एज जनरेटर एक्ट होगा और उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होकर वो बैटरी को चार्ज करेगी। बहुत ही खास ये फीचर है, ये खासली जो है मेनली ये जो फीचर है वो फोर व्हीलर्स में यूज किया जाता है, बट अभी ये ओकी 90 में भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाएंगे और एलईडी हेड और टेल लैंप्स मिल जाएंगे। और खास ये बात है गाइस कि इस व्हीकल में 3 मोड्स आने वाले हैं, एक होगा पार्किंग मोड, एक होगा इको मोड और तीसरा होगा स्पोर्ट्स मोड। गाइस तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
3.6 किलो वाट आवर की बैटरी के साथ 160 किलोमीटर की रेंज है, 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड है और 3.278 किलो वाट की बेल ड्रिवन या नॉन हब मोटर आने वाली है, मोस्टली पीएमएस मोटर होगी जो आपको अच्छा टॉर्क देगी। व्हील डायमीटर है 16 इंच, 40 लीटर का बूट स्पेस है और 0 to 80% बैटरी आप चार्ज कर पाओगे केवल एक घंटे में। इसका एक्स शोरूम प्राइस अभी बोला है 1.22 लाख। तो गाइज मैंने पूरे अपडेट्स डिटेल्स इस वीडियो में देने की कोशिश की है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाकी अगर कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ये वीडियो शेयर करना जरूर ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो बाकी लोगों के साथ शेयर हो। तो गाइज बहुत कष्ट उठाया हूँ, अभी अभी ये वीडियो खत्म हुआ उनका लॉन्चिंग का, ओके 90 का इमीजिएटली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, तो आपका प्यार मिलता रहेगा ऐसा सोच रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।